भारत की इस जबरदस्त आर्थिक तरक्की के लिए वर्ल्ड बैंक ने डोमेस्टिक मार्केट को एक बहुत बड़ी वजह बताया है, यानी हमारे देश का जो घरेलू बाजार है जिसमें आप सबकी हिस्सेदारी है, आपकी बाजार से जो अपेक्षा है और जो आपकी डिमांड है उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में ये तेजी बनी रहेगी। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस रिपोर्ट का जिक्र किया है। द IMF सीज इंडिया एज ए ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। द वर्ल्ड बैंक सेज दैट इंडिया इज इन ए बेटर पोजिशन टू डील विद ग्लोबल हेडविंड्स देन मैनी अदर कंट्रीज। दिस इज बिकॉज ऑफ इंडिया स्ट्रांग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। OECD has said that India will be among the fastest growing economies in the G20 group this year. आपने देखा होगा हमारे देश में एक वर्ग है जो लगातार ये कहता रहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, लगातार उंगलियां उठाता रहता है, उसमें विपक्षी दल भी हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है ये हमारे देश के विपक्षी दलों को बहुत चुभेगी, और अब आने वाले समय में देखिएगा कि हमारे देश के विपक्षी दल इस रिपोर्ट के बारे में भी क्या कहते हैं। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भारत में बहुमत नहीं मिलने पर, हम जब विपक्षी दलों की बात कर ही रहे हैं, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कभी कोई ऐसी स्थिति आए जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल जाएं और तमाम विपक्षी पार्टियां भी मिल जाएं, तो हमारे देश में जो स्थिति है एक कल्पना करके देखिए, शायद आपको हंसी आएगी और आप कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। कल्पना कीजिए हमारे देश में बीजेपी, कांग्रेस, ममता बनर्जी, DMK और जितनी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, RJD या जितनी भी और कम्युनिस्ट पार्टी, जितनी पार्टियां आप सोच सकते हैं, ये सारी पार्टियां मिलकर एक हो जाएं और उसके बाद ये एक सरकार बना ले, क्या आप सोच सकते हैं ऐसा भारत में होगा? असंभव है, होगा ही नहीं कभी, भारत के लोकतंत्र में ये संभव ही नहीं है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक चमत्कार हुआ है जो आज आप सबको देखना चाहिए। नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब वहां सत्ता पाने के लिए पक्ष और विपक्ष की सारी पार्टियां एक साथ आ गईं और वहां विपक्ष में अब कोई नहीं बचा। असल में पुष्प कमल दहल प्रचंड पिछले महीने की 25 तारीख को नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे और 10 जनवरी को उन्हें नेपाल की प्रतिनिधि सभा यानी वहां की संसद में अपना बहुमत साबित करना था। लेकिन इस दौरान वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 275 सदस्यों वाली नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री प्रचंड को बहुमत साबित करने के लिए 138 सांसदों की जरूरत थी, 138। लेकिन जब वोटिंग हुई तो जानते हैं कितने लोगों ने उन्हें वोट दिया? 138 की बजाय उन्हें 270 में से 268 वोट मिले। सोचिए, 270 में से 268 वोट, सिर्फ दो लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, बाकी हर पार्टी ने, चाहे वो विपक्ष की हो, सत्ता पक्ष की हो, सबने वोट दे दिया। यानी विश्वास मत पर वोटिंग के लिए संसद में जो 270 सदस्य मौजूद थे उनमें से 99.25% सदस्यों ने प्रधानमंत्री प्रचंड को अपना वोट दे दिया, सिर्फ दो सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह हुआ कैसे, तो इसके पीछे की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है। कुर्सी लोगों से कुछ भी करा देती है। नेपाल में पिछले महीने जब संसदीय चुनाव हुए तब प्रधानमंत्री प्रचंड की पार्टी ने यह चुनाव नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा था, और नेपाली कांग्रेस वही पार्टी है जिसके नेता शेर बहादुर देवबा हैं जो प्रचंड से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री थे। तो इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। चुनाव में एक तरफ इन दोनों पार्टियों का गठबंधन था और दूसरी तरफ केपी शर्मा ओली की पार्टी थी। केपी शर्मा ओली भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेपाल के। लेकिन जब नतीजे आए चुनाव के तो प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया और केपी शर्मा ओली जो विपक्षी पार्टी थी जिस पार्टी को वो अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन मानते थे उस पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया और मिलकर सरकार बना ली। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि चुनाव में शेर बहादुर देवबा की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, यानी देवबा की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। उनकी पार्टी के पास 89 सांसद है। दूसरे नंबर पर केपी शर्मा ओली की पार्टी है जिसके 78 सांसद है
और प्रचंड जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास सिर्फ 32 सांसद हैं। चमत्कार देखिए, जो सबसे छोटी पार्टी है उसी का नेता प्रधानमंत्री बन गया। चार बातें नोट करने वाली हैं। पहला, देउबा की पार्टी ने इसलिए प्रधानमंत्री प्रचंड का समर्थन किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। दूसरा, केपी शर्मा ओली की पार्टी ने इसलिए समर्थन दिया क्योंकि गठबंधन के तहत यह तय हुआ कि 2.5 साल प्रचंड प्रधानमंत्री बनेंगे और 2.5 साल केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी ओली को प्रधानमंत्री बनने का लालच आ गया और वो इसी गठबंधन के तहत, इसी अरेंजमेंट के तहत प्रधानमंत्री बन सकते थे, इसलिए उन्होंने ये समर्थन दे दिया अपने विरोधी दल को। तीसरा, छोटी पार्टियों ने इसलिए समर्थन दिया क्योंकि उन सभी पार्टियों के कुछ नेताओं को सरकार में जगह दी जाएगी तो लगे हाथों वो भी मंत्री बन जाएंगे। और चौथा, इस सारी राजनीति में सबसे ज्यादा फायदा प्रधानमंत्री प्रचंड को हुआ क्योंकि उनके पास सिर्फ 32 सांसद हैं लेकिन समर्थन है 268 सांसदों का। सबसे छोटी पार्टी होने के बाद भी वो प्रधानमंत्री बन गए। इसके अलावा दो और बातें नोट करने वाली है। पहली ये कि चीन की शुरुआत से ये कोशिश थी कि नेपाल की सरकार में केपी शर्मा ओली की पार्टी भी होनी चाहिए क्योंकि केपी शर्मा ओली को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के करीब माना जाता है। दूसरी बात यह कि भारत की यह कोशिश रहती है कि वहां नेपाली कांग्रेस की सरकार हो क्योंकि नेपाली कांग्रेस चीन से ज्यादा भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देती है। और अब स्थिति यह है कि दोनों ही पार्टियां सरकार में हैं और भारत के लिए चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि प्रधानमंत्री प्रचंड ने 9 जनवरी को अपनी सरकार का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पेश किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वो लिपियाधुरा, लिपुलेखा और काला पानी के इलाकों को भारत से वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। और यह भी हो सकता है कि चीन ने कुछ पैसा खर्च किया हो, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया हो और चीन ने वहां इन सारे लोगों को एक साथ मिला दिया हो और कहा हो कि आप सब मिलकर सरकार बना लीजिए और अब नेपाल में कोई भी विपक्षी दल बचा ही नहीं है, सारे के सारी जो पार्टियां हैं वो सब सत्ता में मौजूद हैं और हो सकता है कि एक सरकार नेपाल की जिसमें सारी पार्टियां हैं और वो जो सरकार है वो चीन के लिए काम करेगी, तो चीन के लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता।